अंदर दो मैट में कुल खंडों के अंदर में दो मैट में एक काल का एक सबूत जाल का पहले सबूत होता है। जब रचना की है मात ने कि दोनों मैट में पैदा किए एक काल का एक सबूत है जो सकुर का रामपुर का काल अकाल पशु का तीनना एक प्रखंड से डाल इतने चलाने के लिए काल कह लो रामपुर कह लो सतपुरुष कह लो सतपुर कह लो ये रचना की सेंट्रल का है काल का लग्न है
काल को रचना चलाने का हुक्म है, उसने चलाना कैसे चलाया, या बुरे कर्म फंसाया कैसे, कर्म चलाया कैसे लिया, तो जीव निकलना चाहिए। जो जीव करते हैं उनके लिए सदगुरु काल को खोज आता है। जैसे यहाँ अक्सर आते हैं भर्ती करने के लिए, सेंटर के भी आते हैं, सूबे के भी आते हैं, वो प्रभारी भर्ती करता है, तहसीलदार भर्ती करता है, सिविल सर्विस की भर्ती करता है, तो कुछ को कुछ किसी के लिए वो अपनी अपनी भर्ती सिखाते हैं। जो सदगुरु का महकमा है वो अपने नाम की भर्ती सिखाते हैं। जिनको भर्ती कर लिया इसको कहते हैं जिया दान, इसको कहते हैं इनिशिएशन, इसको कहते हैं डाइट होना। जब मन बोलने ना ही जन पर लिया है जिया दान दे भक्ति लाइन हर से लाइन मिला है, इसके जिंदगी का इंजेक्शन देते हैं, फिर कोर्स करना बाकी है। जैसे हम भक्ति कर लेते हैं फिर कोर्स करते हैं फिर नौकरी मिल जाती है, अफसर चले जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, जो भर्ती कर जाते हैं, लेकिन लिस्ट गवर्नमेंट को चले किसी गवर्नमेंट से। इसी तरह ये है, जिनको भर्ती कर लेते हैं उनको छोड़ते नहीं, फिर चाहे कितने जन मर जाए कोई शुरू करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, काल वहां कुछ नहीं कर सकता, उनके जिताए जीवों को कुछ नहीं कर सकता, वो खुद सर दला दें दला दें, फिनांसर को दिखा छोटे काम तो किए, सर दलाई नरकों में भेजा फिर भी निकाल के लाए, छोड़ते नहीं, नहीं अलग है। इसलिए उसी रूप में आता है जिस रूप से चिताता है। कभी उन्होंने कहा वो सांसा के रूप में आए तो उनके रूप में सांसा गए, तुम्हें फिनांसर भी आए, उसी तरह है। बुरे कर्म भी किए फिर भी उसकी सुना होती है कैसे, सुनो जिस वक्त प्राण निकलते हैं क्या होता है, निकरे प्राण बदन से जावे, जाहे समय की संत सुनावे। जब प्राण निकलते उस वक्त की बात है, जाता अवदृष्टांत सुनाऊं, नकल माही मैं असल दिखाऊं। असल कोई चीज और है, मैं समझाता हूँ मिसाल देकर। क्या जैसे पतंग गगन चढ़ जावे, डोरी देत देत बढ़ जावे, जब डोरी वाख चकिलाड़ी खेच डोर भूमि पर डारी। जैसे अंग उड़ाते हैं जीवनी डोर छोड़ते जगह आगे से आगे जाते हैं, जब खेल चुकते हैं तो डोरी को ठीक करता हूँ तो नीचे आ जाता हूँ। इसी तरह कुदरत की धार आ रही है नाम की, महात्मा सो जाते हैं, वहां से वो चीज निकल गई थी, फिर उस तरफ ख्याल किया आ गई, देख लो उसी में नाम लहर में काम करना। इसी तरह दिमाग के जरिए आ रही है, आई फिर हाथ सामने आई, कोई आगे कानून देख देख के इसी ऐसे फैल गया। मौत के वक्त ये समेटते हैं,
जब डोरीवा खेच थिनारी खेच डोर भूमि पर दारी किस्मत डोर किया तुंदा यद सूरत खींच ब्रह्मंदा रोम रोम से तेज की जाना सिमट सिमट ना भी में आना मैं तो रख देते रोम रोम से खींचा जाता है पहले ना भी में आता है वहां से फिर आगे चलता है खींची जाती है पहले हाथ में ठंडे हो जाते हैं। नाभ तेज से भास उठाया जब तन मध्य काल वे आया तो काल में आती है हाँ शायद ठंडा हो जाता है काल वे से जब डोर खिंचानी जब तक पांच अंड ने आनी सब तक तो उसने निकल गया नीचे पृथ्वी का तत्व है पानी का तत्व है अग्नि का तत्व है शुद्ध दूसरे साल तक उसने निकल के सूक्ष्म मंडल में आया अभी क्या होता है फिर खेच डोर प्राण इंच आवे काल कान पर आसन लावे काल इसी अंदर जाता है जैसे रेडियो में है सूचना के ऐसे आ जाती है ना आवाज ऐसे काल आता है पूरे पकड़ता है अंदर दो दफ्तर है दाएं तरफ उठता है दाएं तरफ टालता है हाँ यहाँ आकर इसकी बुद्धि लग की जाती है बेहोश हो जाते हैं होश नहीं रहते उस बुद्धि से उस बुद्धि को लेकर जितने कर्म किए हैं उनका निचोड़ निकाल के उसमें डाला जाता है उसके मुताबिक फिर बुद्धि मन संकल्प उठाकर उस बुद्धि को निकाल फिर अगले जन्म मिलता है ये काल का महकमा आगे हाँ काल कान के मार्ग ला सो जाता है जहाँ उसका ख्याल उस तरफ जाता है और नाग पर ख्याल है अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सब गुण गल चलो जिसका तन का ख्याल अंत मन कहते हैं इसलिए तन मिलता है नाग पर ख्याल है तन दे देते हैं साथ ही जुड़े देखे नाग को दिखा देते हैं पेट भर ले गए और बाबू तीन पर ख्याल है अंत काल जो लड़के सिंगे ऐसी चिंता में मरे सुख को जीवन का गलत सुख की जीवन हो गए और मुकानी में ख्याल है अंत काल जो मंदिर सिंगे ऐसी चिंता में जो मरे फिर एक जीवन का गलत उठा कर उनका भी मरी है ये काल का महकमा है। हाँ हाँ जी काल कान के मार्ग लाई या विदेतन के मान समाई जब वाडोर पकड़ जाई संत सुरत की बैठक वाही अगर तो भजन करता है उसको तो पहले पता चल जाएगा सुमार थोड़े से भजन से भी होती है ख्याल भी है चेहरा ठीक होगा जिसमें निकलेगा अगर ज्यादा बुरे कर्म किए हैं नाम लिया है बुरे कर्म किए हैं मुश्किल से जाता है तकलीफ पड़ता है जब यहाँ का काल उसको पकड़ना चाहता है ऐसा सबूत का जी उस मैक में संत काम करते हैं संत उस मैक में सोच कर उसको पकड़ लेते हैं कि तेरा जीवन ही हमारा है। हाँ हाँ जी
पैसा तो गुरु की बैठक दोरी छाड़ हो काल निराशा नहीं देते मिसाल कम कर गए छोटे कर्म किए में तो भेजा से लाई फिर वहां से निकाल के लाए छोड़ा नहीं प्राणी सतगुरु की सुध लावे दोरी छाड़ काल हलगावे जो सतगुरु सुध विसरे भाई जब कान घर बजत बधाई सुनाता है जिनके हर दे संतनो लागी सतगुरु साच प्रीत अनुरागी जिनका संत से प्यार है थोड़ा बहुत करता है उनके भी नीति की नहीं आती इसीलिए कृष्ण ने कहा अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा कम से कम याद अभ्यास तो बना रहे जो काम रोज करते हैं याद तो रहता है देख लो आप जानवर को पानी पिलाते हैं भैंस गाय को कहीं जाओगे उस वक्त याद आ जाएगा अगर दो वक्त बैठता है कम से कम याद तो रहेगा काल में दिख नहीं आता है जिससे खोले नहीं थे बातें करने डॉक्टर आ गया और आगे फलाना आदमी किसकी बात है फलाने आदमी की बात है निकल तो बहुत सुनन करे हेमसान जी को याद करे नाम लिया था तब तो याद ही नहीं रहता नाम चढ़ते नहीं मुझ से है नहीं नाम निकलता माँ क्या करेगी समाज तो भूल ही करता सब लोग देख लो इसीलिए दो वक्त शुरू बिठाओ कुछ भी हो हाँ तो काल ऐसे ही नहीं आता हाँ जी हाँ जिनके हृदय संतनो लागी सतगुरु साच प्रीत अनुरागी जिनके काल निकट नहीं आवे दोरी छाड़ के दूर परावे काल ठिकाने अपने आवे सूरत में सूरत निपटावे अपनी सूरत सूरत में दानी जो बंसी माची खींच जानी संग आते हैं उसको पकड़ते हैं पुरुष का प्रेम याद करता है पुरुष के हाथ दर्द जितना प्रेम है आगे जाएगा तो प्रेम ही यहाँ लगता है किसी का हो गया बोलो कोई कोई तो मुन्नी नहीं आता कोई पन्नी नहीं आता कुछ दो दो साल चार चार साल नहीं आते ये याद आगे है जितना प्रेम आगे जा सकता है आगे नहीं भक्ति शुरू करनी पड़ती कोई शुरू करना पड़ता है उम्र बीत जाती है इसमें एक ही जन्म लग जाते हैं धर्मदास आश्रम में गया जितना जल्दी करके उतना फायदा है हाँ बस ये है लगे रहो बस हाँ सारी दिन शब्द किस किस के सुने के सारी याद लगे सतगुरु कितने बातें कर कितने ज्ञान होंगे डेरा गुरु तेरा डेरा डेरा गुरु तेरा डेरा
पावा बंदारे तेरा जे हाथ तेरा सिर ते होवे 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 डेरा बाबा तेरा डेरा डेरा बाबा तेरा डेरा पावा हर पंडारे फेरा दे हाथ तेरा सिर ते होवे दे हाथ तेरा सिर ते होवे हो दे हाथ तेरा सिर ते होवे दे हाथ तेरा सिर ते होवे डेरा बाबा तेरा डेरा संगतां सारिया चेहरे ते रंगतां के संगतां ने हाल हो गया ए संगतां ने हाल हो गया हो ए संगतां ने हाल हो गया ए संगतां ने हाल हो गया डेरा बाबा तेरा डेरा पावा हर पंडारे तेरा दे हाथ तेरा सिर ते होवे दे हाथ तेरा सिर ते होवे हो दे हाथ तेरा सिर ते होवे दे हाथ तेरा सिर ते होवे तेरे डेरा बाबा तेरा डेरा मस्ताना शाम मस्ताना सारा जग है जिसका दीवाना जो संगतानी नोट वंडदा जो संगतानी नोट वंडदा हो जो संगतानी नोट वंडदा जो संगतानी नोट वंडदा डेरा बाबा तेरा डेरा डेरा बाबा तेरा डेरा पावा हर पंडारे तेरा जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे हो जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे तेरे डेरा बाबा तेरा डेरा छुड़ाने के लिए कि तुम भजन करो जो मांगो मिलेगा सब सब कुछ लिए खड़ा है समझाने के लिए थे तो देने के नहीं आए थे वो कोई और चीज देने आए थे कोई प्योरे अभी विशाल दिखने वाला कोई प्योरे राम रस प्यासा गगन मंडल में अमृत वासी उनके घर वास अमृत पुराने आए थे उसे समझाने के लिए ये करो दुनिया इसी की आशिका है ये तुम्हारे पीछे पीछे फिरे नायक पीछे पीछे फिरे जिसके तुम पीछे धक्के खा रहे हो जो भजन का तो उसके पीछे पीछे है हाँ उसे समझाने के लिए थे हाँ जी इसी सावन मस्ताना शाम मस्ताना मस्ताना शाम मस्ताना सारा जग है जिसका दीवाना जो संगतानी नोट वंडेगा जो संगतानी नोट वंडेगा हो जो संगतानी नोट वंडेगा जो संगतानी नोट वंडेगा तेरे डेरा बाबा तेरा डेरा डेरा
तेरा बाबा तेरा डेरा बाबा हर पंडारे तेरा जे हाथ तेरा सिर ते होवे 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 ए डेरा बाबा तेरा डेरा इस सावन विच बाबा सावन इस सावन विच बाबा सावन सारे प्रेमी ए दिन हम मनावन के जिन्ने सारा जग तारिया के जिन्ने सारा जग तारिया हो के जिन्ने सारा जग तारिया के जिन्ने सारा जग तारिया एह डेरा बाबा तेरा डेरा एह डेरा बाबा तेरा डेरा बाबा हर पंडारे तेरा जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे हो जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे एह डेरा बाबा तेरा डेरा जदो भिक्षा ज्ञान दी भिक्षा जदो भिक्षा ज्ञान दी भिक्षा तेथों मिले हर प्रेमी नू शिक्षा के ओए जगमाल वालिया ए बाबा जगमाल वालिया बाबा जगमाल वालिया जो भिक्षा ज्ञान दी भिक्षा जो भिक्षा ज्ञान दी भिक्षा तथों मिले हल पे मीनू शिक्षा के मोरे जगमाल वालिया हे बाबा जगमाल वालिया हो हे बाबा जगमाल वालिया हे बाबा जगमाल वालिया एह डेरा बाबा तेरा डेरा एह डेरा बाबा तेरा डेरा बाबा हर पंडारे तेरा जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे हो जे हाथ तेरा सिर ते होवे जे हाथ तेरा सिर ते होवे एह डेरा बाबा तेरा डेरा धन सतगुरु कितने काले जांग भाई जो दाती का धनी नहीं था तो किसी का तो किसी का जो दा का कभी तो चले जाते हैं वैसे ही रही है इसे भक्ति का अनुकार है जो दा का कभी उतर आ जाते हैं जिसने कोर्स करना है नजीक ही है जिसको दो देर गन जब तक उसकी मेरे ना कुछ नहीं कर सकता उसकी मेरी काम कर दिया अहंकार से घटा रहता है ये पंडियों में वो बन ही है अहंकार ही मार देता है ये तो है तो ये तन मान जी की जाए शेर हाँ जी
ये देख लो नकली इससे भी ज्यादा है, खूबसूरत है नकली, इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, देख लो नकली भी बहुत ज्यादा है असली को बोल रहा है। सब पहला घर नकली क्यों नहीं दिया, दिनों के बाद खानदानों अब दो नहीं खराब किया, सतगुरु तेरा ही आसरा। पुस्तक लिखने की आवश्यकता। एक आदमी सच्चा सौदा में आया और उसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी से कहा, तुम फकीर लोगों का यही हाल है कि राम राम जपना पराया माल अपना। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ये शब्द दूसरे फकीरों के लिए ठीक होंगे, परंतु हमारे लिए तो यह है कि राम राम जपना, अपने अंदर वाले सोने राम की गंध कपना, पराया माल कभी न तकना। उस आदमी का भी कोई कसूर नहीं था, जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फकीरी में है किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अतिरिक्त जितने दुनिया के झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने मजहबी व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं, वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम प्यार सुख व आराम से जिंदगी व्यतीत करे और अपनी आखिरत के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। उन्होंने अपने समय अनुसार इस शिक्षा को नए सिरे से और एक नए ढंग से उस समय की सरल भाषा में बयान किया। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर एक फकीर ने समय अनुसार अपनी अपनी जुबान में सुनाई। यदि कोई तुर्किस्तान में पैदा हुआ तो उसने तुर्की में सुना दी, और यदि अरब में पैदा हुआ तो उसने ताजी या अरबी में सुना दी। बात देख लो बाकी हिंदी हिंदुस्तान अंग्रेज में अमेरिका में अमेरिका में रिता हुआ अपनी जुबान में हाँ। बात तो एक ही है हाँ। हाँ। परंतु दुख तो इस बात का है कि हम सच्चे पीरों की सही शिक्षा उनके सेवकों बल्कि अगुओं द्वारा ही खराब हुई। जब तक उनका कोई ठीक अमल करने वाला सेवक मिलता रहा वह सही रास्ता दिखाता रहा, परंतु बाद में वही सीधी सादी शिक्षा मतलब प्रस्तों ने पेचीदा बना दी और उसको मजहबी रंग देकर तरह तरह के बखेड़े पैदा कर दिए। सच्चे पीरों के कथन चुन चुन कर उनकी गलत व्याख्या करके या मन ग्रंथ वचन बनाकर अपना उल्लू सीधा करने लगे। जहाँ सच्चे संत प्रेम प्यार नम्रता व दीनता का सबक सिखाते रहे और इंसान को कौमी मजहबी मुल्की जिस्मानी व नफसानी बंधनों से आजाद करवाते रहे, वहाँ इन मक्कार लोगों ने ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध निंदा व चुगली आदि की बीमारियां पैदा कर दी और लोगों को कौमी मजहबी मुल्की जिस्मानी और नफसानी बंधनों में पहले से भी ज्यादा जकड़ दिया और परमार्थ या रूहानी इल्म से कोसों दूर हटा दिया। यह बात याद रखने के काबिल है कि मजहबी विरोध व झगड़ों का पैदा होना उन सच्चे मजहबी अगुओं या मजहब का कसूर नहीं, यह कसूर रूठे और रुतेरे फकीरों की गलत व्याख्या का है। वेद कतेव कहो मत दुखे दुखा जो ना विचारे। हाफिज साहब फरमाते हैं कि यदि मुसलमानों के 72 फिरके आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो यह उनका कसूर नहीं, वे सब मजूर हैं क्योंकि वे असलियत से बेखबर हैं, इसी कारण आपस में लड़ रहे हैं।
जंग हटा दो मिलत हमारा उधर बने तून दीदंग हकीकत रहे अफसाना जदंग। जो जो महात्मा मंजिले मकसूद पर पहुँचे हैं उन सभी का एक ही उपदेश एक ही उसूल और एक ही मुद्दा है। जो पहुँचे ते कह गए इनकी एक है बात सबे सियाने एक माँ उनकी एक है जात। जो पहुँचे ते पूछिए इनकी एक है बात सब साधुओं की एक मत बीच के बारह बार। इस समय जरूरी है कि फकीरी के असल राज को नए सिरे से और एक नए ढंग से जमाने की दशा अनुसार एक सरल भाषा में खोला जाए। बस ये थे तुमसे लोगों के ताल लिखो भैया थे सारे मजों की है इसमें ऐसी बोल रहे पड़े हैं जो इसमें मतलब है बोलने का इसमें मतलब क्या है अपना कल्याण करना देख लो अपना कल्याण करना था रस्सी से निकालना था उसकी झगड़ों पड़ गए उसका ख्याल ही नहीं अंदर अंदर तीनों था सबके अंदर अमृत वर्षा है दिन दिन दर्शन में धारा मंत्री विष्णु शब्द विचार है अंतर खुटा अमृत भरा शब्द काट दिए नारी अंतर सत्य बाजरा विश्वास की रह जाती है ना करने खाते तेरे अंदर आ गया सबके अंदर अमृत वर्षा है जो कि ये करी ना मंत्र पूरा मन मुखा सा न पाया जो कुछ तुरी मिल न जाने करना परंपरा एक बार बहुत सक रहा है चीज अंदर है जिसको मिला इस अंदर से मिला है जो चीज इस मंदिर में शिव की मंदिर में है सबके अंदर है बाकी सबके अंदर है जो पंच करे काम ले ले सबके अंदर अमृत है जो किए सबके अंदर सब निकाले हैं। हाँ हाँ जी अमीरी क्या विचारी है अमीरी
कि मैंने ये आदि किया है, अस्थि मटाना मुश्किल फिर सब कुछ मिल जाता है। अस्थि मटानी मुश्किल है, मैं नहीं निकलती, अहंकार नहीं निकलता है। हाँ जी, जो प्रभु सब मानना ये मत साबित करता है कि तुम्हें क्या लेना दुनिया से, जो मालिक किसे करवाता है कराने, जो अपना सब सब कर रहे हैं, जब सब सब किया सब मेरा भी आपको देखो एक देखना अंदर में सब गुरा गया, सब तुम देख लिया यात्रा निकल गई, मैं तो दोस्त रहा हूँ विष्णु रहा सब के अंदर है तसली हो गई, सब में राज रहा पर एक को एक एक नाम करते किसे दोस्ती करे किसे विष्णु करे, ये काम तो आना था उल्टे दूंगी डाल दी निकालनी दी डाल दी फकीरी में आनंद जिसको जी अमीरी क्या विचारी है, फकीरी में आनंद जिसको अमीरी क्या विचारी है, yeah।
आनंद जिसको अमीरी का विचारी है। सतगुरु तेरा ही आसरा। जो रस मालिक तुम्हारे अंदर का वो ना लिया, वो रस लेना था ना बाहर के रस में, वो भी अंदर से आए ना। अभी देखा जाए वो भी अंदर से आए हैं। कैसे आए हैं? आप कड़ा बनाते हैं, आलू बनाते हैं, उसमें है क्या? आटा, घी, मीठा, पानी, आपका सेक, ठीक है? ऐसी ही चीजें अगर ठीक तरीके से बनाए तो ठीक बन जाएगा, और कोई तरीके से ना बनाए या कच्चा रह जाएगा, सड़ जाएगा। इसने बनाया फिर जो नहीं, उसके अंदर से निकली फिर जो भी अंदर से बनाया, फिर अगर अच्छी तरह से खाओ स्वाद लगेगा, ये कपड़े क्या खा रहे हैं, इसके अंदर से सब कुछ निकलता है, जिसमें तो बाहर से रस आता है। जिस चीज पे तुम जो पाओ वो खूबसूरत लगेगी, कुछ नहीं इसको क्या तुझे यहाँ रख लिया संभाल रहा, अगर नहीं तो फेंक दिया। तो जो काम करने वाले सब काम है, जो चीज इसके अंदर से निकलती है असली ये है अमृत। ये अंदर दो किस्म का है, नीचे का तीन किया है, ऊपर के सिले ने किया है। मक्के गए काली जुगनी से बात के लिए, उन्हें सुनाया नौ दरवाजे खोलते दसवां नूर है, फौज आपकी कुल भरे किस बीच कमी चल। ये मंदिर है, इसके नौ दरवाजे बाहर है, दस मंदिर खुलता है, अभी बंद करके वो खोल ले
अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। काला सवाला काम शायद कमल का, जिसमें कमल अचल, जिसको हम दर्शन द्वार करते हैं, अमृत का स्वरूप करते हैं, तुम किया जाता है हर शब्द के अंदर। गुरुनाथ जी कोट है दान किंगे तेस किंगे किंगे तो ची वर्णन देखे बाकी लोग मिसाल देते हैं कि जैसे किले हैं उसके ऊपर किंगे हैं, उसमें सुराग हैं, सियाकों के पास आदमी खा लेते थे बंदूक लेकर तो कुंड लेकर ताकि हमला हो जाए अंदर ना आए, उसके अंदर बैठे हैं उनको ज्ञान नहीं देते सुवार उनको काबू करे पाला जिनमें मारे पांच सौ भी ऐसा काम कर गए उनको मारे तो रस किए कैसे किए पहले बारह को मारे तब इंद्र जा सकता है जा सकता है उन्हें जाने नहीं देते उनको मारे उनको काबू कर पाया। एक महल तो गाड़िया शिव शक्ति सुल्तान किसी को ये महल है इसकी दो अंकों बाहर है ये बाहर काम करने के लिए है। इसने कहा आई जा देवेंद्र जल सोल आंखी रूपी टीट में बाहर काम करने के लिए एक महल तो बारिया शिव शक्ति तीसरी आंख खोल ले फिर देखे अंदर क्या है तुम्हारी शुरू होता है फिर पता चलता है अंदर अमृत के हौज है कि नहीं है ना तो शुरू है जो असली है ना तो लोग की सुपार जाकर मिलता है ऊपर आज सर पे गई सतनाम कमरे पाया वो असली है नीचे का तीन किया है इसलिए किस बिल्ली ने किया अलग हम छुटकी उनका नहीं छूटा मेरा छुट गया उन्होंने नीचे कर दिया बाहर का उसको करने सबके अंदर ऐसे नहीं पूजा कुछ शादी की है कभी पूजा है पटवारी की पूजा है तहसीलदार की भी है की है इसी तरह ये है वो असली है वो तुम्हें किस पार जाकर मिलता है वो किसी बिल्ले ने पिया है हाँ वो पीना पड़ा कर हाँ उसमें अर्थ फकीर क्या पी हो गई हुक्का मारते हैं आओ तो तुरे रामदास प्यासा गर्जी नहीं किसी को लाल की चीजें गर्जा उसका किसी को खाई नहीं ऐसी घूमे भाई दीवानी भक्ति भावनी दूजे जी कोई आवे तो बेटा मांगे यही विशाई दीजे जी कोई आवे तो का मारा हम पर कृपा कीजे जी कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी एक रुपया देकर दौलत मांगता है देख लो कोई कराए दस भाई संतु साई दीजिए जी सात का पूरा झूठे जग दीजिए जी क्या सुनो साधु हम लोग दीजिए जी सब दिन बस मेरी तंतु बीमारी ये फलाना हो गया ये फलाना हो गया किसी को ख्याल नहीं उस चीज का तंतु बीमारी छूट गई तेरे और लग जाएगी कर्म करेगा सोच लो फिर भुगतान तो उसको करना पड़ेगा बस उसकी बड़ी नहीं है या नया चाहिए या खाने पीने की चीजें चाहिए दीदी आ गई कभी तो बीमार रहता है बच्चे हैं गुजारा नहीं चल पा मारी उसकी कू ले ले फिर वो काम करे पाओ भागे देख लो एक आ रहा है इसी के लिए गुजारा नहीं चलता मैंने कहा ये तरह ये उतार दे खबर के सादा खा ले बस देख लो ये चीजें मांगते हैं बस बसने की ये चीजें हैं
कर्म का बदला जरूर देना पड़ता, जरूर देना पड़ता, जिद्दे से किए देश रुकने पड़ते हैं। जिसको दुख दिया उसे दुख लेना, जिसे सुख दिया उसे सुख लेना, भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं भुगता अगर छुटकारा मिल गया फिर जन्म लेकर भुगतना पड़ेगा। देखो श्री रामचंद्र जी ने गाली को मारा, गलत बनवास मिला कर्म के हिसाब से, गाली को मारा दुख बैठ गया, कर्म का गलत देना पड़ा किसी रूप में उसके हाथ में मरा, बदला देना पड़ता सब कुछ। सोचना जब तक कर्म ना भुगते आगे जा ही नहीं सकता, जितने भुग जाए अच्छा है, जितने भुग जाए अच्छा प्रेमी के लिए, फिर आराम से जाएगा, खुला होकर जाएगा। नहीं तो कुछ जन्म लेने पड़े तो जन्म लग जाते हैं, नाम तो कोई नहीं, बस वही है, कोई भूखों वाला है, कोई प्रेतों वाला है, कोई दुख कमाया है, बस यही है। ऐसी चीज की टेंशन किसी को रोज यही है, सारा दिन यही सुन करे ना, कोई भूत आता है उसकी नजदीक, ना प्रेत आता है, अगर आते हैं सब निकल जाते हैं। तो करे तो सही, जब दूर नजदीक नहीं आ सकते, काल नजदीक नहीं आता नहीं। रोज पढ़ते हैं कब किसी ने दूसरे में सो, कब किसी ने काल कर हरे, पढ़ते हैं ना कर्म भुगता है तो सब आराम से ले जाते हैं। मैं क्या करूंगी, बीमार रहता हूँ ना जपन जाता, अरे बीमारी में तो जपन जाएगा, माल तो मुझे ठीक कर देंगे, याद तो आएगा मालिक में, सुख हुआ तो बस, जितने सुख माया का जाए, जितने सुख संसार के सब माया जा, कानून तो कंकन भरे एक दिन भी मार, जितने सुख है सब माया का जाए, मुझे कहते सुख में भरेंगे, सुख में कोई गुरला बेशक करे कोई नहीं कर सकता, दुख में याद आ जाए, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमन करे तो क्या है वो परमेश्वर के पुल सब रोक पाते हैं। हाँ तो दुख को मैं अच्छा समझा है, माल की याद तो आता है। हाँ तो कहते सुख को क्या कहना है जिसमें माल का नाम भूल जाए। हाँ हाँ जी गगन मंडल में हमारा तू बारिश है, मन के कर बंदोबस्त किया, मिट्टी में चली गई, आग में चली गई, क्या क्या हासिल किया। हासिल करता है जैसे कहें।
ऐसा महंगा अमीर की पता है, ऐसा महंगा अमीर की पता है, एक बारे ये जब मजे किए छेड़ पिटाए मारा सर मेहनत करे और चीजें मौसम के लिहाज से हैं, जब मजे किए सब के अंदर है। किसी ने पागल देना सजा नहीं, बाहर के काम भी मन से करता है, कहते बातों से नहीं मिलता। पूछता करते मालूम धारक पर तुम तुमके देश का दाखिल की जाइए, बातों से तो नहीं जा सकता। हाँ हाँ कच्ची नाम मिल रहे थे, कच्ची किताब मिल रहे थे, सबके नाम थे। तुम टी खाता तुम जिस रोटी खाने लगा जो रख लिया घी का, ऐसे करे खा ले, ऐसे करे खा ले लगने लगे। दूसरा तुम जूस आ गया तो कहें तू बहुत खर्च करता है, और क्या करूँ तुमने कुछ बाहर रख दिया, ऐसे करे खा ले, हमारा ये हाल, हम चाहते ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। तब कम तो तकलीफ ना हो, खुद खाए पिए मौज करे, कोई नाली मिल जाए बस भी पी लें। सुखी ऐसा संसार है जो खा लिया सो गए, दुखी अदास हुई रह जिता लिया रोगे, जाग जाके रोगों को पाया जिसने पाया। हाँ जी किसी ने सवाल ही नहीं। Thank you.
काज भैर पजोगी काज भैर पजोगी छोड़ा भोग किया जाता है ये बात को भोग विलास छोड़े तब पी सकता है तेरा छोड़े तो रस आया तेरा पिया तो रस नहीं पावा जो तेरा सिर के पीते लगे दुख हाँ मेरी नहीं भस्म लगा उदासा बाहर की भस्म नहीं उदासी की तू बाल बच्चे मेरे नहीं मैं तक सेवादार हूँ बादशाह मेरी नहीं बादशाही भी है लेकिन मेरी नहीं हर गुजार हो रहा है मेरी नहीं क्या पता माल किस को किया जाए मेरा देख सदगुरु है वो भी सकता है हाँ मैं दरबार छोड़ने की जरूरत नहीं हाँ सकल सिंहासन बैठा रहता पद्म लगाई उदासा बुद्ध ने कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे अपने परम पद ले चले जब बाटी में थे वो कहने लगे पहले अभ्यास कर फिर जा सकता है सोचो अभ्यास वाली बात ही छोड़ दी सबने बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता मेहनत करनी पड़ती है हाँ गोरखनाथ गोरखनी रमया कोई कवि अभिरासा पच्चीस दिन में इतना काम हुआ है मेरा आपका सुन देता है के लिए हमारे देर में जगह नहीं थी नहीं करते आराम से रोटी खा लो दस मिनट पीछे मिल जाएगी बस ऐसे
धाम धाम सतगुरु तेरा ही आसरा। यही ना सीखे तो फिर क्या सीखो लोगो ना। ये मैग्नेट ऐसा है इसमें तो दूसरे को आगे करे आप पीछे रहे, तो मैं आगे हो जाऊं। ये दीनता का मार्ग है, हस्त को मिटाने का मार्ग है, सबकी चम दूर बनने का मार्ग है। ये बात ना सीखो धन कैसे करोगे। धाम धाम सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आपकी मजलिस की कार्रवाई समाप्त हो रही है और सुबह जो सत्संग है सिर्फ इसलिए था ये भी जागे आज जागना सीखे विश्वास तो रहेगा। दे लो रात भी इसलिए रखा था, ये तो किसी खास वजह से दिन रखी है, नहीं रात का बड़ा मजा रहता है। हाँ हाँ जी, सुबह के सत्संग की कार्रवाई ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगी और सात संगत को चाहिए कि टाइम से यहाँ पंडाल में पहुंचे। 8:30 बजे सत्संग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो सभी सात संगत 8 बजे के करीब सभी यहाँ पंडाल में पहुंचे और जितनी देर सत्संग की कार्रवाई चले सभी शांति पूर्वक बैठ के गौर से सुने। सत्संग के बाद संगत को लंगर खिलाया जाएगा। भंडारे का मौका है, शासन बहुत ज्यादा है तो इतनी जल्दी नहीं करनी। जिस तरह से सेवादार आपको जाने की इजाजत दे उसी तरह से लंगर घर में जहाँ लंगर खिलाया जाता है वहाँ जाए। आज वो थोड़ी जल्दी करके एक बेड का जो कमरा था वो संगत ने गिरा दिया, तो आप सबसे अर्ज है कि इस तरह की कोई कल कार्रवाई ना करें, आराम से शांति पूर्वक लंगर में रहें। काले बने से क्या बन गए, सूखा भी नहीं सर। हाँ आगे 16 तारीख दोपहर को सिरसा नई अनाज मंडी में 10 बजे दोपहर को 10 बजे सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी में सिरसा में सत्संग होगा और 23 तारीख रात को नई अनाज मंडी बंगाली में सत्संग होगा। और आगे जो महीने वाला सत्संग है वो 5 और 6 सितंबर को यहाँ दरबार में होगा। जहाँ जहाँ भी आपको समय मिले सत्संग में पहुंचे और सत्संग सुनकर लाभ उठाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसों वाले की दुकान नंबर 48-49-50 है। गुरुदेव के नाम से सतगुरु का जो सिख कहावे गुरु सतगुरु का जो सिख कहावे सो पल के उठ हर नाम ध्यावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन भावे जो सास ग्रास उद्यम कर पल के परवाती उद्यम कर पल के परवाती इश्नान कर अमृत सरनावे ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन भावे जो
सास ग्रास उपदेश गुरु हर हर जप जापे उपदेश गुरु हर हर जापे सब किल विख पाप दुख ले जावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जो सास ग्रास फिर चारे दिवस गुरबाणी गावे फिर चारे दिवस गुरबाणी गावे बैंदिया उठदिया हर नाम त्यावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जो सास ग्रास जिसनू दयाल होवे मेरा स्वामी जिसनू दयाल होवे मेरा स्वामी इस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जो सास ग्रास जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जो आप जपे और नाम जपावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जो सास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जो सास ग्रास धन धन सतगुरु बन जाओ वीर लड़ाका साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका मन में मार जीत जा
फिर खेलो ज्ञान जड़ाता साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाता। शील संतोष सीमा सत धीरज शील संतोष सीमा सत धीरज ये शास्त्र झगड़े वर्षी विचार क्रोध के मारो वर्षी विचार क्रोध के मारो वो करता निधाता बड़े बड़े इन भगतों को ठगिया बड़े बड़े इन भगत